चाहूंगी हैप्पी करवा चौथ, ठीक है। और मैं अभी आई हूँ ऑफिस से और टाइम हो रहा है 6 और मुझे पूजा करने के लिए जाना है 7 साढ़े 7 बजे तक। तो बस अब मुझे नहाना भी है और रेडी भी होना है, और मैं जैसे भी रेडी होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ मेकअप भी शेयर करूंगी, एंड वहाँ पे जैसी पूजा होती है सेलिब्रेट करती हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखना, स्किप स्किप नहीं करना। तो यहाँ मैंने भोग के लिए खीर बना ली है, टाइम बहुत कम है और फटाफट से रेडी भी होना है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ मुझे बताना आप लोग ज़रूर। यहाँ पे अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं 2 थाली लगा रही हूँ, एक तो जो मैंने मंगाई हुई थी आपको वीडियो में दिखाया भी था, तो ये मैंने यहाँ पे 2 थालियाँ लगा ली हैं, जिसमें एक में कलश है और फूल वगैरह रख लिया, दूसरे में नारियल और सब कुछ रख लिया। एंड आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हो, ठीक है। जो भी हुआ जल्दबाजी में बस फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने ये मेकअप तो मतलब शूट नहीं किया है आपको बताने के लिए, बट यदि आप लोग बोलोगे तो मैं फिर आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी ये मेकअप। और बस अब जहाँ पे पूजा होनी थी हम वहाँ पे आ गए हैं, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, और यहाँ पे सभी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है, भाई हम 3 लोगों की है, मौसी सासू माँ बैठी हुई हैं उन्हीं के साथ में आई हूँ यहाँ पे, और बस अब हम यहाँ पे पूजा करेंगे। आप लोगों की क्या कैसी पूजा होती है? हम लोग क्या, तो हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे कुमकुम लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा की जाती है, और उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। देले बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभियों, बोली भाभियों बोली तुम्हारा चांद होगा होगा, हमारा चांद तो रात को होगा। और यहाँ पे हमारा हो गया है हवन, मतलब पूजा अब हमारी हो गई है, और बस हम सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, और यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। यहाँ हम करवा चेंज करते हैं, वो जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कहानी सुनी होगी करवा ले करवा दे वाली, तो बस यहाँ पे जो 5 बार करवा होता है ना, वो देना लेना होता है। और बस हम यहाँ पे 4 ही लेडी थे, पूजा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी और टाइम से भी हो गई थी, और ये रही हमारी करवा चौथ वाली पलटन। तो बस हम 4ों यहाँ पे पूजा कर रहे थे, एंड पिछली साल भी हम 4 ही थे, तो पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। फाइनली चांद निकल गया है, भूख सहन नहीं हो रही है, प्यास सहन नहीं हो रही है, बस अब जल्दी जल्दी से पूजा करना है। और यहाँ पे सानू भी रेडी होकर आ गए हैं वाइट शर्ट में, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड ये वाली शर्ट भी उन्होंने पहली बार पहनी है, मैंने ही गिफ्ट की थी। तो चलो भाई, चांद भी निकल गया, यहाँ पर हमने चांद की पूजा कर ली है, और जो हमारा चांद है अब हम उसकी पूजा करेंगे, मतलब पति देव की। और बस यहाँ पे अब मैं उनकी भी पूजा करूँगी, और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख यार, प्यास लग रही है। तो यहाँ पे चलो भाई, फाइनली जल मिल गया, थैंक गॉड, क्योंकि इतनी प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ठीक है। अभी तो हम लोग को ना खाना खाने भी जाना है, और यहाँ पे अब सानू मुझे मीठा खिलाएंगे। तो ये जो मैंने खीर बनाई थी ना, बहुत टेस्टी खीर बनी हुई थी, बस वही खीर यहाँ खिलाएंगे। और ये रखी हुई है मिठाई, एंड चॉकलेट तो अभी फ्रिज में रखी हुई है, डेयरी मिल्क सिल्क, तो अभी तो मुझे वो खाना है। तो चलो भाई, ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इतना मीठा खा लिया काफ़ी है। और यहाँ पे मैं अब चरण स्पर्श करूँगी, और यहाँ मुझे मिल गया है कुछ गिफ्ट, और इस गिफ्ट को देखने के लिए मैं आप लोग के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसमें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, गोल्ड गिफ्ट है इसमें तो। और यदि आप लोग भी इसे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये मिल जाएगा आपको, तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑफिस से मैं इतनी लेट आई थी, तो खाना तो हम बना ही नहीं पाए थे, और बहुत ज़्यादा
भूख लग रही है तो हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, जो भी हमें खाना है तो बस ऑर्डर आने ही वाला है। और क्या क्या मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने मटर पनीर की सब्ज़ी मंगाई है, तंदूरी बटर है, दाल तड़का है और राइस भी है, तो बस ये हमने मंगा लिया यहाँ पे और अब हम खाएंगे।